हम यही कहेंगे कि पवन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद चेहरा आ जाए। तो वैसे पवन सिंह आ गए जी जी, तो पवन सिंह आ गए तो सारी जनता उनकी तरफ मुड रही है। आप किसे सपोर्ट करने वाले? पवन सिंह का। पवन सिंह को? पवन सिंह के गाना उना सुनते हैं आप? हाँ सुनते हैं। हम तो पवन सिंह के ही करेंगे, इसलिए कि पवन सिंह सबसे बढ़िया है जी। दोनों प्रत्याशी से, मैं भाजपा के प्रत्याशी से और क्या कहते हैं आरजेडी के प्रत्याशी से, दोनों प्रत्याशी से पवन सिंह अच्छे हैं। इसको जिताया जाए निर्विरोध। दोस्तों मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुख प्यार। दोस्तों अभी हम नासरीगंज के एक छोटे से गांव में हैं और मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और हम एक गांव में जब बैठे हुए हैं तो लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आपका राय क्या है। ऐसे मैं बताऊं कि काराकट क्षेत्र से पवन सिंह आ रहे हैं और उसके बाद बीजेपी से आपको उपेंद्र कुशवाहा जी और उसके बाद राजा राम जी भी आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर कौन बाजी मारते हैं और किनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आप बताएंगे बाबा कि किन्हें आप सपोर्ट करेंगे और किनको देना चाहते हैं आप? अच्छा, तब पवन सिंह को देना चाहते हैं। पवन सिंह को? आखिर पवन सिंह को क्यों देना चाहते हैं? कभी वो राजनीतिक में आए नहीं है, फिर भी आए नहीं है तो ये भी काम नहीं करते हैं। कौन? कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी तो संसद रह चुके हैं। हाँ, तो आपके क्षेत्र में काम नहीं किया? ना, काम नहीं किया है। तो इसलिए आप किनको देंगे? हाँ, पवन सिंह को। पवन सिंह को देंगे? तो पवन सिंह तो एक स्टार हैं, भोजपुरी गायक हैं, तो वो ऐसा नहीं कि फिर ही आपको छोड़ के गाना बजाने में लग जाएंगे, वो आपके गाँव में नहीं आ पाएंगे। तब अगला साल नहीं दिया जाएगा? यही चेंज, बदलाव किया जाएगा। हाँ, बदलाव किया जाएगा। मगर आपका मत है कि हम पवन सिंह को? हाँ, ही देंगे, हाँ, देंगे। देखिए दोस्तों, देखा जा रहा है कि यहाँ पर पवन सिंह को ही सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए बाबा आप बताएंगे कि किनको आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? हम तो पवन सिंह के ही करेंगे, इसलिए कि पवन सिंह सबसे बढ़िया है जी। दोनों प्रत्याशी से, मैं भाजपा के प्रत्याशी से और क्या कहते हैं आरजेडी के प्रत्याशी से, दोनों प्रत्याशी से पवन सिंह अच्छे हैं। इसको जिताया जाए निर्विरोध। हमारा कहने का मतलब है कि निर्विरोध जिताया जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। आखिर पवन सिंह तो पहली बार राजनीतिक में आ रहे हैं। उस ठीक है, आ रहे हैं, नया चेहरा है ना। हाँ, वहाँ नया चेहरा को दिया जाएगा। काम करेंगे, नहीं तो ना काम किया है ना वे काम किया है जी, जी। कोई दो मैंने कोई काम नहीं किया है जी, जी। हाँ, तो इसलिए पवन सिंह को जिताया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह अच्छा काम करेंगे। हाँ, नाच बाजा गाने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यंग है ना जी, जी। बस बस, तो उसी को दिया जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक नया चेहरा पवन सिंह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नया चेहरा है। तो नया चेहरा होने के कारण पवन सिंह को यहाँ पर दिया जा रहा है। और पिछले बार जो कुशवाहा जी भी बने थे सांसद, तो लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने तो बताया था कि मैं पहचानबे नहीं करता, मगर अब जो है कि पवन सिंह को खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है। आप किसे सपोर्ट करेंगे बाबा? मैं तो वैसे भाजपा का कैंडिडेट हूँ जी जी, भाजपा के प्रत्याशी को ही हम लोग वोट देते हैं। एक्चुअली ये गांव पिपरडी है जी जी, पिपरडी में कम से कम 80% वोट भाजपा का जाता था जी जी, लेकिन पिछले दो तीन इलेक्शन से कभी महाबली जी कभी उपेंद्र कुशवाहा जी जी जी, और दोनों पार्टी से हटके हैं, कोई सामाजिक काम इनके जिम्मे नहीं है जी जी। अगर ये सामाजिक काम एक भी किए होते तो फेवर किया जाता जी जी। तो वैसे में हम लोग तो ढूंढ रहे थे कि कोई प्रत्याशी दूसरा आए, नया चेहरा कोई आ जाए, नया चेहरा आ जाए। तो वैसे पवन सिंह आ गए जी जी, तो पवन सिंह आ गए तो सारी जनता उनकी तरफ मुड रही है, एक बार इनको भी देख लिया जाए जी जी। और वैसे हम लोग पूरे पार्टी से नाराज हैं जी जी, कभी महाबली जीते थे कभी उपेंद्र कुशवाहा जी जीते थे, इसको लेके हम लोग पूरा टेंशन में थे, तो इनके आने से एक तरह की खुशी हुई है जी जी। अब सारे लोगों का झुकाव उसी साइड जा रहा है जी जी।
भाजपा की अपनी राजनीति के चलते, चाहे अपने रिलेशन बनाने के चलते, उपेंद्र कुशवाहा जी को सीट दो दो बार मिला है। जी जी, एक बार जीते भी है, एक बार हारे भी, एक बार हारे भी, लेकिन जीतने के बाद भी इनसे फीडबैक नहीं मिला। जी जी, इसलिए सारे लोग मैक्सिमम नाराज हैं। जी जी, इसलिए ज्यादा झुकाव पवन सिंह के तरफ जाएगा ही, मैंने खुलेआम चैलेंज है कि पवन सिंह को ही दिया जाए। हाँ, चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक खुलेआम एक तरह से चैलेंज इस गांव में कर दिया गया है कि पिपरटी एक गांव तो है मगर एक बड़ा सा भी गांव है, एक छोटा सा भी कह सकते हैं, मगर यहाँ का लोग अधिकतर जो झुकाव है वो पवन सिंह के तरफ जाता है। आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? पवन सिंह के, पवन सिंह को। आखिर क्यों पवन सिंह को आप करना चाहते हैं? क्यों कहना चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी थे, कुछ काम किए नहीं, आचार्य भी हैं तो अच्छे हैं और वैसी गायक हैं भले, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है। उन्हीं को आप सपोर्ट करेंगे? आप किन को सपोर्ट करेंगे? राजा राम को सपोर्ट करेंगे। क्यों राजा राम को आप सपोर्ट करेंगे? ऐसे कि पार्टी के हो गए, पार्टी के हैं, इसलिए। राजा राम आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं उसमें कुछ गिनती करवाई का? आपके क्षेत्र में क्या काम किए हैं? जीतले नहीं खन तक क्षेत्र में कोई न कहा, जीतले नहीं खन, जीते नहीं हैं, मगर आपको उम्मीद है कि वो तो बरामन हम गोल्डन की था, वो बरामन काम किए हैं। अच्छा, यही ओबरा में काम किए हैं, अभी इधर काम नहीं किए ना, मगर आपके उन्हीं को सपोर्ट करने वाले। हाँ जी, झुका मत टाइट बोलो। हाँ, चलिए दोस्तों, ये देखिए राजा राम को सपोर्ट करने वाले हैं। आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं? पवन सिंह का। पवन सिंह को। पवन सिंह के गाना उना सुनते हैं आप? हाँ सुनते हैं। अच्छा ठीक है, गाना गाइए तो। पवन सिंह का कौन सबसे अच्छा गाना लगता है आपको? इतना नहीं मालूम है हमको, लेकिन सुने हैं। कोई गाना उन्हें याद है आपको? नहीं उतना नहीं याद है। नहीं याद है? एक आध लाइन भी नहीं? एक लाइन भी नहीं याद है? नहीं। अच्छा, पवन सिंह को आप क्यों देना चाहते हैं? अभी नया है, खड़ा है, इसीलिए देना चाहते हैं, देख रहे हैं अगला साल क्या कर रहे हैं जीतने के बाद। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हुए थे, काफ़ी लोगों का जो था से बीजेपी, यानी कहने का मतलब है पवन सिंह को ही सपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे। लास्ट में और क्या बोलना चाहते हैं बाबा? हम यही कहेंगे कि पवन सिंह जिंदाबाद। जी जी, बस यही हम कहना चाहते हैं, पवन सिंह को वोट दिया जाए। जी जी, हाँ, ये प्रत्याशी में कोई जान जीव नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी मोदी के 10 साल गुजर गए। जी जी, 10 साल में हिंदुस्तान का लेवल पूरा ऊंचा कर दिया। जी जी, तो मोदी जी के लिए ही हम लोग वोट दे करते थे। जी जी, लेकिन पवन सिंह भी हमको 80% उम्मीद है कि पवन सिंह भी बीजेपी में ही शामिल होंगे। जी जी, या इनको बीजेपी ही की टिकट मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा को हटाया जाएगा यहाँ से। जी जी, ऐसा भी हो सकता है। जी जी, क्योंकि चिराग पासवान का भी स्टेटमेंट आया था पीछे। जी जी, दो चार दिन पहले की है, मैंने देखा था अभी न्यूज में। जी जी, कि ये पवन सिंह भी अपने ही आदमी हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के ही साइड के हैं, इसलिए उनको देख रहा है आदमी, बिगड़ेगा नहीं काम, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है अपने स्टेटमेंट में। जी जी, इसलिए ऐसा लगता है कि पवन सिंह भी कहीं दूसरे जगह के नहीं है, ये बीजेपी के ही होंगे। जी जी, इसलिए इन लोग पवन सिंह को सपोर्ट करना जरूरी भी है। जी, विकास के लिए ही काम करना है और विकास के लिए ही वोटिंग करना है, कैंडिडेट भी चुनना हमारा ही काम है। जी जी, इसलिए पवन सिंह को पहली बार आ रहे हैं तो देखना जरूरी है और वोट हम लोग पवन सिंह में ही डालेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं और यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं इस चबूतरे के पास, आप किसे सपोर्ट करेंगे? ऐसे हम पवन सिंह को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अगर पवन सिंह बीजेपी में होते तो उनको सपोर्ट करता। अच्छा। लेकिन अभी मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि तो कोई निर्णय नहीं है कि पवन सिंह किधर जाएंगे। हाँ, तो बीजेपी का सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट करें? आप किसे सपोर्ट करें? हम बीजेपी के। बीजेपी में? तो बीजेपी में तो पवन सिंह भी तो लगभग आने वाले। हाँ, आने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया है हम लोग के लिए तो, और क्या। चलिए तो, चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं भी आपके गांव में आ रहा हूं, काराकाट क्षेत्र में, और आप भी तैयार हो जाइए बिहारी बाबू हेमराज के साथ।